नमस्कार दोस्तों, आज क्रिसमस है, यहाँ छुट्टी है, तो आज निकले हैं घूमने के लिए। थोड़ा घूमेंगे, रात को जब वापस आएंगे तब यहाँ छोटे टाउन में क्रिसमस के दिन में डेकोरेशन कैसा होता है, घर के बाहर कैसा डेकोरेशन होता है, कैसी लाइट वगैरह बनाई हुई होती है, सारा आपको दिखाएंगे। दोस्तों आज जो क्रिसमस है, पूरा दिन घूमे और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ क्रिसमस में छोटे टाउन में कैसी लाइटनिंग की होती है, कैसे डेकोरेशन किया हुआ होता है। तो चलिए आज देखते हैं यहाँ लवलेस का डेकोरेशन। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि बाहर बहुत ठंड है, करीबन -35 to -36 जितना यहाँ ठंड है। तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी से बाहर उतरना तो नामुमकिन ही है। जब टेम्परेचर -20 के ऊपर होता है तब ऐसे इलेक्ट्रिक हीटर कार के इंजन के साथ प्लग इन होता है ताकि इंजन गर्म रहे और कोई दिक्कत ना आए। जैसे हम दिवाली के टाइम पर या ईद के टाइम पर या और फेस्टिवल के टाइम पर डेकोरेशन करके आजू बाजू में करते हैं, घर में डेकोरेशन करते हैं या पूरा इलाका डेकोरेट करते हैं, ऐसे ही यहाँ क्रिसमस के टाइम पर पूरा एरिया डेकोरेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये लवलेस जो छोटा टाउन है उसको यहाँ डेकोरेट किया है। आप देख सकते हैं कि सभी के घर के बाहर लाइट या कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है ताकि क्रिसमस को वेलकम कर सके, क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके। बहुत स्नो है, चारों तरफ आपको बर्फ़ दिखाई देगी, फिर भी यहाँ लोग बहुत अच्छी तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों आप ये जो पूरा लाइट्स देख रहे हैं ये है एडन मिलर का फार्म हाउस। उनका फैमिली यहाँ रहता है और बहुत अच्छी तरह से सब फैमिली मेंबर्स ने मिलके ये पूरा अपना जो फार्म हाउस है उसे डेकोरेट किया है। यहाँ इतनी ठंड, -35 -40 हो, लेकिन ये ठंड या बर्फ़ अपनी रूटीन लाइफ में इनको कहीं भी तकलीफ़ नहीं देती है।
यहाँ का एक माइंड सेटअप होता है कि बाहर कितना भी वेदर कैसा भी हो, लेकिन सो मस्ट गो ऑन। जो भी रूटीन लाइफ है वो पूरा लाइफ ऐसे ही यहाँ जिंदा दिली से लोग बहुत अच्छी तरह जीते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यार से ये मिलर फैमिली ने अपना फार्म हाउस डेकोरेट किया है, कितना अच्छी तरह से इन्होंने सजाया है। यहाँ स्नो हो या गर्मी हो, लोग अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये जो फार्म है ये डेकोरेट किया है। यहाँ क्रिसमस के टाइम पर हाउस डेकोरेशन के लिए पूरे टाउन में एक कंपटीशन होती है और सभी लोग अपना घर डेकोरेट करते हैं और फिर टाउन ऑफिस पूरा जो टाउन होता है वो देखकर फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऐसे प्राइज देते हैं। तो ये हर साल कंपटीशन होती है और लोग बहुत अच्छी तरह से प्यार से अपने घर को डेकोरेट करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पूरा जो डेकोरेशन है क्रिसमस के सेलिब्रेशन में, यहाँ छोटे छोटे टाउन हो या बड़े शहर हो, लोग कैसे अपने घर को डेकोरेट करते हैं ये आपने देखा, आपको अच्छा लगा होगा। कैनेडा सस्काचुआन के छोटे टाउन में लाइफ कैसी होती है, फेस्टिवल ट्रेडिशनल कल्चर कैसा होता है, ये देखने के लिए आप हमारी ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको कुछ ना कुछ नया कैनेडा के बारे में, यहाँ के छोटे टाउन के बारे में जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। यदि आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर या इवेंट पर सस्काचुआन के छोटे टाउन पर वीडियो देखनी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपको वो टाउन दिखाने के लिए। यदि आप कनाडा आते हैं तो ज़रूर छोटे टाउन की मुलाकात लीजिए, आपको रियल कैनेडियन लाइफ, कल्चर, ट्रेडिशन सब कुछ यहाँ का देखने को मिलेगा। तो बड़े बड़े शहर देखकर वापस मत चले जाइए, छोटा टाउन देखिए। यहाँ रहने के लिए, लाइफ जीने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। आप ज़रूर छोटे टाउन की मुलाकात लीजिए। अगले वीडियो तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।